Assalamualaikum dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं what is class limit, what is class mark and what is class boundary and we also going to discuss the example. ठीक है जी. First of all class limit. Class limit the number or values which describe the classes. वो वाली numbers और वो values जो classes को बनाती हैं उसको describe करती हैं उसको हम class limit कहते हैं. ठीक है जी. मतलब जितनी वैल्यूज जितने नंबर उस एक क्लास में एग्जिस्ट हो रहे होते हैं वो क्लास लिमिट होती है. द स्मॉलर नंबर इज़ द लोअर क्लास लिमिट. जो हमारी एक क्लास होती है फॉर एग्जांपल 1 to 5 हमने एक क्लास इंटरवल बनाया. ठीक है जी. तो 1 हमारे पास क्या है वो लोअर क्लास लिमिट है और 5 जो लार्जर नंबर है वो हमारे पास क्या होता है अपर क्लास लिमिट होती है. अब ये लिमिट इसको क्यों कहते हैं. लिमिट का क्या मतलब होता है हद. ठीक है जी. मतलब उससे आगे नहीं जाना. अगर लोअर है तो उससे पीछे नहीं जाना और अगर अपर है तो उससे आगे नहीं जाना. कोई भी वैल्यू जो 1 से नीचे है वो हम इस इंटरवल में नहीं लिख सकते. ठीक है. और कोई भी वैल्यू जो 5 से आगे है ठीक है वो हम इस इंटरवल में नहीं लिख सकते. ये इस क्लास की लिमिट्स होती हैं. ठीक है. ना इससे आगे जा सकता है कोई ना इससे पीछे आ सकता है कोई. ठीक है जी. तो जो भी डाटा होगा वो इसके सेंटर वाला होगा जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा. क्लास लिमिट्स शुड बी वेल डिफाइंड एंड देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग. क्लास लिमिट्स जो होती हैं इनमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. ये प्रॉपर होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए. ओवरलैपिंग कैसे कि अगर हमने एक इंटरवल बनाया 1 to 5 तो नेक्स्ट हम इस तरह नहीं कह सकते फर्स्ट था 1 to 5 और नेक्स्ट जो है वो 5 to 10 हो गया. दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है जी. अगर पहला वाला 5 पे एंड हुआ है तो नेक्स्ट वाला 5 से स्टार्ट नहीं हो सकता. वो 6 से स्टार्ट होगा. अगर वो भी 5 से स्टार्ट हो जाएगा तो डाटा ख़राब हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारे डाटा में 5 आ जाता है तो फिर हम उसको किस क्लास इंटरवल में डालें क्योंकि वो तो पहले वाले में भी एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू 5 और नेक्स्ट वाले में भी एग्जिस्ट कर रही है. इस वजह से हम जो कोई भी वैल्यू होती है उसको ओवरलैप नहीं करते. वो एक ही इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी. पहला डाटा अगर 5 पर ख़त्म हुआ है तो अगला इंटरवल जो होगा वो 6 से स्टार्ट होगा 5 से स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है जी. इन अदर वर्ड्स द लिमिट्स शुड बी इंक्लूसिव. लिमिट्स हमारी जो होती है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए. इट मे बी 10 to 14 15 to 19 20 to 24 एक्सेट्रा. ठीक है जी. ये हमारे पास होती है क्लास लिमिट. उसके बाद आता है क्लास मार्क जिसको हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं. ये क्या होता है. क्लास मार्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट. मिड पॉइंट इज़ द नंबर विच डिवाइड्स ईच क्लास इनटू टू इक्वल पार्ट. वो नंबर जो हमारी किसी भी क्लास होती है जो कोई भी क्लास इंटरवल होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उस इंटरवल को उस नंबर को हम क्या कहते हैं मिड पॉइंट और क्लास मार्क. ठीक है जी. इन प्रैक्टिस इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग आइदर द सम ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास और द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री. हमने अभी पढ़ा क्लास लिमिट क्या होती है और अपर क्लास लिमिट क्या होती है. जहाँ पर लिमिट एंड हो रही होती है लोअर क्लास लिमिट क्या होती है जहाँ से लिमिट स्टार्ट हो रही होती है. ठीक है. तो जो लोएस्ट लिमिट होती है और जो हाईएस्ट लिमिट होती है उनको जब हम एडअप करते हैं उनको सम अप करते हैं और उनको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये हमारे पास क्या देते हैं हमें मिड पॉइंट. सो द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. और हमारे पास सेकेंड फार्मूला क्या है. लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2. ठीक है जी. उसके बाद ये क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं. अच्छा पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे आएगा मिड पॉइंट. यहाँ पर देखें हमने क्या किया था. हमारी एक उन्होंने क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 14. इसमें हमारा लोअर क्लास लिमिट क्या है 10 और अपर क्लास लिमिट क्या है 14. तो यहाँ पर जब हमने मिड पॉइंट निकालना है इस क्लास इंटरवल का तो हम क्या करेंगे 10 + 14. ठीक है जी. लोअर क्लास लिमिट 10 अपर क्लास लिमिट 14 इनको हम एडअप करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. 10 + 14 इज़ इक्वल टू 24. 24 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 12. तो हमारा मिड पॉइंट क्या आता है इस क्लास इंटरवल का 12. और आप देखेंगे कि जो 12 है वो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करता है. उसका 10 की तरफ भी 2 का डिस्टेंस आएगा 14 की तरफ भी 2 का डिस्टेंस है. तो ये हमारे पास क्या करता है कि ये मिड पॉइंट ने क्या किया हमारे इंटरवल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. That is the definition of class mark. So, now we are going to discuss the class boundary. The class boundary are the precise number which separate one class from another. The selection of these numbers removes the difficulty if anyone in knowing the class to which the particular value should be assigned. इसमें क्या करते हैं कि हम जो होता है
डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह से कि क्लास बाउंड्रीज को हम क्लास इंटरवल से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा लोअर क्लास इंटरवल होता है, लोअर क्लास लिमिट होती है, उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और जो अपर क्लास लिमिट होती है उसके अंदर 0.5 ऐड कर देते हैं जब हमने क्लास बाउंड्री बनानी होती है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लोअर क्लास लिमिट क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में 10 है, ठीक है, और अपर क्या है 14। अगर हम 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या बनता है 9.5। तो हमारी यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 9.5 और वहाँ पर अपर क्लास लिमिट थी 14। 14 में हम 0.5 ऐड करें तो वो क्या बनता है 14.5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपर क्लास बाउंड्री क्या है 14.5। इसी तरह हम क्लास बाउंड्रीज सारी बनाते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ अ रूल फॉर मेकिंग क्लास बाउंड्रीज एंड दैट्स ऑल। टुडे वी डिस्कस क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क और मिड पॉइंट एंड क्लास लिमिट। आई होप आपको अच्छी समझ आई हुई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।